हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो बेसिकली एक्शन जॉनरा की काफी तगड़ी फिल्में होती है। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में आता है जिगरा। आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवी होने वाली है जिगरा, जिसके अंदर आलिया भट्ट काफी ज्यादा एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जो अपने भाई को जेल से भगाने की मिशन में है। और इसी दौरान आलिया भट्ट की काफी ज्यादा तगड़ी एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगी, जो बेसिकली एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिस्ट में शामिल होती है, जिसको डायरेक्ट बसंत भाला ने दिया है। और ये धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली मूवी है, जिसको 11 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 में आता है मार्टी। कनाडा लैंग्वेज की एक बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है मार्टी, जो बेसिकली जिगरा के साथ 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली, जिसके अंदर अर्जुन सारजा काफी ज्यादा वायलेंट सोल्जर के किरदार में नजर आए, जिसको एपी अर्जुन ने डायरेक्शन दिया है। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनने वाली पैन इंडियन मूवी है, जिसके अंदर आपको हैवी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी के लेवल को और भी ज्यादा बेटर बनाती है। सो बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 11 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 8 में आता है हिट 3। सनी पोदा सनी बारम देने के बाद अब नानी की अगली मूवी का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसका नाम है हिट दी थर्ड केस, जो बेसिकली हिट सीरीज का तीसरा इंस्टॉलमेंट होने वाला है, जिसके अंदर नेचुरल स्टार नानी एक वायलेंट पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जिसका नाम है अर्जुन सरकार, जो बेसिकली काफी ज्यादा ब्रूटल एंड एक्शन से भरी हुई होगी, जो एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी होने वाली है नेचुरल स्टार नानी की। एंड नानी को टीजर के अंदर वायलेंस एंड फेयरलेस दिखाया गया है, जो सिनेमा घर में 1 मई 2025 को रिलीज होने वाली है। नंबर 7 में आता है सिंघम अगेन। सिंघम अगेन के मेकर्स ने खुद क्लियर किया है कि सिंघम अगेन होने वाली है एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी, जिसके हर एक पोस्टर के अंदर हमें एक्शन का रेफरेंस साफ साफ दिखाया गया है, जो एक्चुअली में सिंघम अगेन बॉलीवुड की आने वाली एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी होने वाली, जिसके स्टार कास्ट के अंदर आधा बॉलीवुड शामिल है, जो 1 नवम्बर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मारे भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नंबर 6 में आता है वॉर 2। साल 2019 की मूवी वॉर, जो बेसिकली एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी था, जिसके अंदर एक्शन सीक्वेंस तगड़े लेवल के थे। और अब बारी है सेकेंड पार्ट की, जो की पहले पार्ट से भी काफी ज्यादा बड़ी एक्शन मूवी होने वाली, जहाँ पर फिल्म के अंदर हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, स्टारिंग ऋतिक रोशन जूनियर एंड कैरा अडवाणी, जिसको आयन मुखर्जी ने डायरेक्शन दिया है। और ये मूवी 14 अगस्त 2025 के मौके में रिलीज होने वाली है। नंबर 5 में आता है एनिमल पार्क। एनिमल जो साल 2023 की एक काफी ज्यादा ब्रूटल एक्शन मूवी था, और अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जो कि इससे भी काफी ज्यादा ब्रूटल एक्शन मूवी हो, जिसका एग्जांपल तो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला है। सो एक साल पहले ही तो फर्स्ट पार्ट आया था, अब सेकेंड पार्ट के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, जिसको संदीप रेड्डी भांगा 2027 के मौके में रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। नंबर 4 में आता है सलार 2। बाहुबली के बाद प्रभास को सलार के अंदर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में देखने को मिला है, एंड प्रभास के इस एक्शन मूवी ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। लेकिन फर्स्ट पार्ट तो स्टार्टिंग था, अब सेकंड पार्ट के अंदर पहले पार्ट से भी काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले, जो मच अवेटेड सीक्वल है सलार की, जिसका नाम है सलार सूर्यंगा पारभा। अब सेकंड पार्ट को डायरेक्शन देंगे प्रशांत नील, जिसका 60% शूटिंग कंप्लीट भी हो चुका है। अब मेकर्स बाकी का शूटिंग खत्म करके 2025 से लेकर 2026 के मौके में रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं।
नंबर थ्री में आता है अक्षय कुमार की आने वाली एक अनटाइटल मूवी। सो अक्षय कुमार सिद्धार्थ आनंद के साथ एक बड़ी मूवी प्लान कर रहे हैं एंड अपडेट के अकॉर्डिंग ये मूवी एक बड़ी हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी होने वाली है जिसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो बेसिकली एक स्टैंड अलोन एक्शन मूवी होने वाली है जिसको बड़े स्केल और बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा मार्फ्लिक्स के बैनर तले। और ये भी बताया जा रहा है कि मूवी के अंदर अक्षय कुमार को एक अलग ही अवतार में देखने को मिले जिसको अपडेट के अकॉर्डिंग मिलन अथुलिया डायरेक्शन देने वाले और काफी जल्दी ही इस मूवी का अनाउंसमेंट होने वाला। सो अभी सिद्धार्थ आनंद उनकी अपकमिंग मूवी किंग को लेकर बिजी है और किंग के बाद इस मूवी का अनाउंसमेंट हो सकता है। सो नंबर टू में आता है टॉक्सिक। केजीएफ चैप्टर टू के मैसिव सक्सेस के बाद अब रॉकिंग स्टार यश उनकी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक लेकर आ रहे हैं जिसको डायरेक्शन गीतू मोहन दास ने दिया है, जो बेसिकली एक हाई ऑक्टेन एक्शन गैंगस्टर मूवी होगी जिसका स्टोरी गोवा में माफिया एंड ड्रग्स के ऊपर बेस्ड होगा। और यश इस मूवी के अंदर एक बड़ा गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू अपडेट यश के साथ इस मूवी के अंदर कियारा आडवाणी, नयनतारा, उमा कुरैशी, तारा सुतारा एंड श्रुति हसन नजर आए जिसका शूटिंग करंटली अभी बेंगलुरु में हो रहा है। और रिसेंटली यश का हमें एक नया लुक भी देखने को मिला जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। अब टॉक्सिक एक्शन के मामले में एक बड़ी मूवी होगी जिसके एक्शन सीक्वेंस बड़े लेवल पर शूट किया गया और बड़े लेवल पर एक और मूवी रिलीज होने जा रही है जो बेसिकली एक बड़ी पैन इंडियन मूवी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अपडेट ये मूवी अभी पोस्टपोन हो चुकी है जिसको पहले 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने अभी तक न्यू रिलीज डेट भी कंफर्म नहीं किया। सो अभी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। नंबर वन में आता है लाहौर 1947। ये मूवी इंडिया और पाकिस्तान के एक बड़े वॉर के ऊपर बेस्ड है और इस मूवी के अंदर तगड़े लेवल के एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे जो बेसिकली बॉलीवुड की आने वाली एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी होने वाली और इंतजार इस मूवी के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं जिसको डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने दिया है और इस मूवी को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक अहम किरदार में नजर आए और आमिर खान ने सनी देओल के साथ इससे पहले दो फिल्में कर चुके और ये सनी देओल के साथ तीसरा मूवी है। सो लाहौर 1947 का शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अकॉर्डिंग टू अपडेट फिल्म के क्लाइमेक्स के अंदर हमें एक बड़ा ट्रेन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। सो इस मूवी का अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। और बात करते हैं रिलीज की, तो इस मूवी को 25 जनवरी 2025 के मौके में रिलीज किया जाएगा। सो यही था 10 बड़ी अपकमिंग हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म। इनमें से कौन से फिल्म के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूल। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।